पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रदेश में फिर गरमा रहा है। खरगोन में जिला मुख्यालय पर जिले भर के हजारों शिक्षक सिर पर टोपी लगाकर और हाथ में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। पुरानी पेंशन बहाली और क्रमोन्नति पदोन्नति न करने को लेकर शिक्षकों में भारी रोष दिखा। सैकड़ों की संख्या में इस प्रदर्शन में महिला कर्मचारी भी शामिल हुई। सरकार के रवैये को लेकर शिक्षक संघ के इन लोगों में खासी नाराजगी है। आज के बाद नियुक्त सारे कर्मचारियों की भारत सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके एक नई पेंशन व्यवस्था बाजार आधारित लागू कर दी, जिससे जबरदस्त कर्मचारियों को नुकसान होने लगा है। उसी बात को लेकर पूरे देश के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उसी आक्रोश को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरा है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में 2018 में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता शून्य होने की कगार पर है। इसी कारण पूरे प्रदेश के शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश सरकार के प्रति व्याप्त है। सरकार ने वरिष्ठता की बात कहने के बाद भी आज दिनांक तक उनके आर्डर न जारी करते हुए उनमें कोताही सरकार बरत रही है। इससे पूरे प्रदेश का शिक्षक वर्ग जबरदस्त नाराज है। सरकार को हमारे से चर्चा करना चाहिए और समस्याओं के निराकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि एमपी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी समय से मांग की जा रही है, जिसमें सरकार से इसको बहाल करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश की सियासत में भी ये बड़ा मुद्दा है। खुद कमलनाथ भी कह चुके हैं कि 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको लागू करेंगे। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट, एमपी तक।